आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप बिहार के हैं तो आप EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए थे, तो EWS सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे बनता है, उसका क्या फ़ायदा है, उसके बारे में मैं आपको वीडियो पहले ही बनाकर दे दिया था, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों जगह पर वो वीडियो का लिंक हम आपको दे देंगे, वहाँ से आप बना लीजिएगा EWS सर्टिफिकेट। EWS सर्टिफिकेट क्या होता है, EWS सर्टिफिकेट जब आप बना लेंगे तो आप को कोई भी चीज़ में 10% का आरक्षण मिलेगा EWS सर्टिफिकेट से। लेकिन आप उस वीडियो को देखकर अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप जब आप आते हैं सर्विस प्लस की वेबसाइट से, जहाँ से आपने अप्लाई किया था, सर्विस प्लस की इस वेबसाइट से अप्लाई किया था, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका EWS सर्टिफिकेट में अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, देख पा रहे, ये अंडर प्रोसेस है, और इसका ड्यू डेट जो है, मिलने का डेट जो था वो 2/8/2019 को था, लेकिन अभी 9 तारीख हो चुका है, लेकिन ये अंडर प्रोसेस ही बता रहा है, डिलीवरी नहीं बता रहा है। तो इस दुविधा में न रहें कि ऑटोमेटिक यहाँ पर डिलीवरी हो जाएगा तो हम डाउनलोड कर लेंगे। EWS सर्टिफिकेट में ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आपको ऑनलाइन करने के बाद आपको अपना पहचान को सत्यापन कराना होता है। यहाँ पे ड्यू डेट को देख लीजिए, ड्यू डेट को या ड्यू डेट के बाद आपको आपने जो मोबाइल नंबर दिया उस पर एक SMS आपको मिलेगा, जिस SMS में आपको बताया जाएगा कि आपका आवेदन क्रमांक संख्या इतना है, EWS सर्टिफिकेट आप अप्लाई किया था, तो आपको फोटो प्रमाणित करना है, जिसके लिए आपको फोटो युक्त डॉक्यूमेंट लेकर आपको ब्लॉक के RTPS काउंटर पे आना होगा। ड्यू डेट को आप जा सकते हैं, नहीं तो अगर ड्यू डेट को जा सकते हैं, नहीं तो आप को जब भी मैसेज आएगा तब भी आप जा सकते हैं, नहीं तो ड्यू डेट को आप जाइए, वहाँ पे आप अपना एक सिंगल फ़ोटो, पासवर्ड साइज का फ़ोटो ले लीजिएगा, और एक रसीद रिसीविंग निकाल लीजिएगा, जो अप्लाई किया था वो रिसीविंग निकाल लीजिएगा, वो रिसीविंग और फोटो युक्त प्रमाण पत्र यानी कि आधार कार्ड ले लीजिएगा, आधार कार्ड और एक फ़ोटो और रिसीविंग जो रसीद होता है, जो बनाते वक्त रसीद आपको मिला था, रिसिप्ट, वो लेकर आपको ब्लॉक की RTPS काउंटर में जाना होगा। तो वहाँ जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपका आवेदन को वेरीफाई किया जाएगा, आपको फ़ोटो को सत्यापन किया जाएगा, जब सत्यापन कर लिया जाएगा तब आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, और आपको बोला जाएगा आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना है। तो उसके बाद आपको आना सर्विस प्लस की वेबसाइट पर, जब आप ब्लॉक सत्यापन करा लेते हैं तो आपको सर्विस प्लस की वेबसाइट पर आना होगा। उसके बाद यहाँ पे व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन क्लिक करेंगे, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे, तो जैसे आप ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करके गेट डाटा पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए, ये जो EWS सर्टिफिकेट है यहाँ पे अभी अंडर प्रोसेस, जब आप वो सत्यापन करा लेंगे ब्लॉक से तो यहाँ पे डिलीवरी दिखा रहा है, जैसे दिखा देगा, तो यहाँ पे देखिए EWS सर्टिफिकेट जिसको मैंने ब्लॉक से सत्यापन कराया है, उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी दिखा रहा है, जब भी आपका सत्यापन हो जाएगा तो डिलीवरी दिखाएगा, जब डिलीवरी हो जाएगा तो उस पर क्लिक करेंगे डिलीवरी पे, तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखेगा। तो यहाँ से आप सर्टिफिकेट EWS डाउनलोड कर सकते, नहीं तो आप इसी तरह यहाँ से देख पा रहे हैं रसीद के इस पर आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे देख ले कमेंट पे, ठीक है, तो यहाँ पे रसीद आप इसकी निकाल सकते, इस रसीद को लेकर आधार कार्ड और फोटो लेकर आपको RTPS काउंटर जाना है और वहाँ से सत्यापन करा लेना। जब तक आप सत्यापन नहीं कराएंगे तब तक आपका EWS सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। आवासीय आय जाति आप बिना सत्यापन कराए बन जाएगा, आपको सत्यापन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन EWS सर्टिफिकेट आपको सत्यापन कराना होता है। क्यों सत्यापन कराना, वो अभी हम आपको बता देते हैं। तो जब आप यहाँ पे आपका EWS सर्टिफिकेट, मैं आपको एक दिखा देता हूँ, तो EWS मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास EWS सर्टिफिकेट है, ये EWS सर्टिफिकेट नीचे करेंगे, इसको डाउन करेंगे, तो EWS सर्टिफिकेट जो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। तो ये EWS सर्टिफिकेट यहाँ पे देखिए, फोटो पे लिखा हुआ अभी प्रमाणित, ये प्रमाणित किया गया है, ठीक है, जब तक ये प्रमाणित नहीं करेंगे आप ब्लॉक से RTPS के काउंटर से, तब तक ये आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए करवाया जाता है सत्यापन। यहाँ पे देख पा रहे अभी प्रमाणित, यहाँ पे प्रमाणित किया गया है ब्लॉक के द्वारा, जब तक ये प्रमाणित आप नहीं करेंगे तब तक आपको ये सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि जब भी आपका अंडर प्रोसेस दिखाए या ड्यू डेट दिखाए तो ड्यू डेट को आपको ब्लॉक जाना, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना मैं बता दिया हूँ आपको, उस डॉक्यूमेंट को लेके जाएंगे ड्यू डेट को, नहीं तो आपको मोबाइल में मैसेज भी आ जाएगा, जब भी मैसेज आया तभी आप जा सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं वीडियो को अंत में बता दूं, आपको यूट्यूब पे सर्च करना होगा जीशान मॉनिटर, ये सब सर्च करेंगे यहाँ पे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं आपकी यूजफुल की बहुत सारे वीडियो यहाँ पे मैंने बना दिए हैं, जैसे बिहार राशन कार्ड डाउनलोड कैसे करें, यूपी राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करें, बिहार पॉलिटेक्निक काउंसिलिंग कैसे करें, और आवासीय आई नए बनाए तो उसके लिए कैसे क्या प्रक्रिया, वो भी है। बहुत सारे वीडियो मैं आपके लिए बना दिया, यहाँ से आप वीडियो देख लीजिएगा, आपकी यूजफुल की बहुत सारे वीडियो मैं पहले से बना दिया हूँ।